Today I am going to start chapter 4 cubes and cube root. So let's start. इस chapter में हमें cube और cube roots के बारे में पढ़ना है कि cube क्या है, cube root क्या है, कैसे निकालते हैं. तो पहला है cubes. If a number is multiplied 3 times by itself, यदि कोई एक number है itself उसी से 3 बार यदि multiply कर दिया जाए तो the product so obtained is called the cube of numbers. तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उस नंबर्स का क्यूब होगा. अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे. जैसे मान लीजिए लिखा है नंबर्स और इधर है क्यूब्स. तो जैसे मैं वन ले लूं और वन का क्यूब का मतलब है 1 की पावर 3 और 1 की पावर 3 का मतलब है 1 × 1 × 1 मीन्स 1. जैसे ले लें 5, इसका क्या मतलब हुआ 5 की पावर 3. तो 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125. जैसे ले लें 11 की पावर 3 11 × 11 × 11 तो इसका आ जाएगा 1331. और जैसे और भी ले लें 10, तो इसका क्या मतलब हुआ 10 की पावर 3 10 × 10 × 10 × 10 means 1000. Properties of cube numbers. The cube of first property is the cube of an odd number is odd number. मतलब और नंबर्स का यदि क्यूब निकाल रहे हैं तो हमें और नंबर ही मिलेगा. एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे 5 एक और नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 × 5 125, हमें एक और नंबर ही मिला. 7 ले लेते हैं तो 7 का यदि क्यूब निकालेंगे तो 7 की पावर 3 हो जाएगा और 7 × 7 × 7 तो आ जाएगा कितना 343. इनका मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां पर इवन और ऑड नंबर आया है. जो इवन नंबर होता है इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और जो ऑड नंबर होता है ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. एग्जांपल समझ सकते हैं, इवन नंबर में जैसे आएंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप के नंबर आएंगे और ऑड नंबर में आएगा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख लिया. सेकेंड प्रॉपर्टी है The cube of an even number is even. Means यदि हम even numbers का cube निकालेंगे तो हमें even number ही मिलेगा. For example, जैसे मान लीजिए 2 का cube निकालेंगे तो 2 की पावर 3 means 2 × 2 × 2 equal to 8 और इसके बाद हम ले लेते हैं 4 क्यूब हो जाएगा 4 × 4 × 4 इक्वल टू 64. इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव. हमने लिखा द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव. मीन्स यदि पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब लेंगे, पॉजिटिव का मतलब है प्लस, तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा. जैसे पॉजिटिव नंबर यानी प्लस वाले नंबर ले लीजिए, जैसे 2 ले लिया तो उसका क्यूब निकाला तो 2 की पावर 3 तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 हो गया. 5 भी पॉजिटिव नंबर तो 5 की पावर 3 तो 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125 हो गया. इसके बाद प्रॉपर्टी 4 है, जो द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज
नंबर इज नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि यदि हम कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का मतलब माइनस वाले नंबर्स का क्यूब निकालेंगे तो माइनस में ही रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे माइनस थ्री का क्यूब, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री का माइनस थ्री से तो प्लस आएगा, और फिर जब माइनस थ्री का फिर से करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा और ये हो जाएगा माइनस 27। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे माइनस फाइव का अगर क्यूब निकालना है तो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, ये माइनस फाइव और माइनस फाइव का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25 आएगा, और प्लस 25 का माइनस फाइव से कर देंगे तो माइनस 125 रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हमने ये देखा कि जो नेगेटिव नंबर्स का यदि क्यूब निकाला जाए तो नेगेटिव ही मिलता है। इसके बाद जो फाइव नंबर्स की प्रॉपर्टी है उसे समझेंगे। इफ अ नंबर्स एंड्स विथ 1, 4, 5, 6 और 9, इट्स क्यूब आल्सो एंड्स विथ 1, 4, 5, 6 और 9। मींस यदि किसी भी नंबर्स के, हम मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी नंबर्स के वन डिजिट पे, ये फाइव नंबर्स की प्रॉपर्टी है, 1, 4, 5, 6 और 9, किसी भी नंबर्स के यदि वंस डिजिट पर 1, 4, 5, 6, 9 है तो इसका यदि हम क्यूब निकालते हैं तो इसके वंस डिजिट पर हमें 1, 4, 5, 6 या 9 मिलेगा। इसे एग्जांपल से समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 11, अब मैं 11 का यदि क्यूब निकालता हूं तो 11 का क्यूब निकालूंगा तो 11 इंटू 11 तो आएगा 1331। तो इसका जो वंस डिजिट है तो वंस डिजिट पर हमें 1 मिला, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। एक बार और सुनेंगे इस स्टेटमेंट को। इफ अ नंबर्स एंड विथ 1, 4, 5, 6 और 9, इट्स क्यूब आल्सो एंड्स विथ 1, 4, 5, 6 और 9। मीन्स यदि किसी भी नंबर्स के एंड्स पर 1 है तो उसका क्यूब निकालेंगे तो 1 मिलेगा, 4 है किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे या वंस पे तो उसका क्यूब निकालेंगे तो 4 मिलेगा। यह है इस स्टेटमेंट का मतलब। इसके बाद सिक्स नंबर का एक स्टेटमेंट है। इफ ए नंबर्स एंड्स विथ 2, यदि किसी भी नंबर्स के एंड्स पे 2 है तो इट्स क्यूब एंड्स विथ 8। यदि किसी भी नंबर्स के एंड्स का मतलब है वंस डिजिट, तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर्स है 12, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 2 हो गई। तो यदि इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका जो क्यूब निकालने पर जो भी मिलेगा हमें, उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 8 मिलेगा। निकाल के देख सकते हैं, तो 12 और 12 का करेंगे कितना आएगा 144, फिर से 12 से कर दीजिए, 12 4 जा 48 की 8 कैरी आई 4, और 48 और 4 52 कैरी आई 5, 12 बन जाए 12 और 5 70, मींस 1728। तो हमें क्या मिला, इसकी जो वंस डिजिट्स है वो 8 मिली। यदि किसी भी नंबर्स की वंस डिजिट 2 है और यदि इसका क्यूब निकाला, इसे 12 का क्यूब निकाला तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो उसकी वंस डिजिट्स हमें 8 मिलेगी। फिर इसके बाद सेवन नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है। इफ ए नंबर्स एंड्स विद 3, इट्स क्यूब एंड्स विद 7। यदि किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे, एंड्स का मतलब है यूनिट डिजिट, यदि किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 3 है तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। यदि किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 3 है तो हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 3 है, तो 3 ले लेते हैं। तो यदि इसका क्यूब निकालेंगे तो 3 के क्यूब यदि निकाला तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 मिलेगी। इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब नंबर्स। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है। साइज 4.1,
क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स जो नंबर हमें दिए गए हैं उनका क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन ए, पहला हमें दिया है एट, एट का क्यूब निकालना है। एट के क्यूब का मतलब है, यहीं से सॉल्व करते हैं, सॉल्व ऐसा करके कर सकते हैं, एट इक्वल टू एट की पावर थ्री, एट इंटू एट इंटू एट इक्वल टू 512। इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे सी नंबर देख लेते हैं, सी है -12, तो -12 का यदि क्यूब करेंगे तो -12 का होल क्यूब, तो -12 इंटू -12 इंटू -12, तो यदि दो बार यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे -12 का -12 से तो 144 आएगा, और 144 का -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1728 आएगा। तो ये मैंने -12 का क्यूब निकाल दिया। इसके बाद 21 का देख लेते हैं, ये जो है 21 वाला है एफ नंबर का, 21 का क्यूब, तो 21 की पावर 3 मीन्स 21 इंटू 21 इंटू 21, इसका दो बार करेंगे तो 441 आएगा, मीन्स 21 इंटू 21 441 इंटू 21, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9261। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, एच नंबर का 0.8 का यदि क्यूब करेंगे तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.512, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द वन डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो भी हमें नंबर्स यहां पर दिए गए हैं तो हमें क्यूब निकालने पर वन डिजिट में क्या मिलेगा वो बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है 41, तो लिखेंगे ये प्रॉपर्टीज मैंने बता चुका है, वी नो दैट अ नंबर एंड्स 1, 4, 5, 6 आर 9, इट क्यूब आल्सो एंड्स 1, 4, 5, 6 आर 9, यानी किसी भी नंबर्स के एंड्स पे यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स हैं, तो उनका यदि हम क्यूब निकालेंगे तो 1, 4, 5, 6 आर 9 ही मिलेगा। तो इसके लिए लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे देयरफोर वन डिजिट ऑफ वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 41 इज 1। मीन्स मैंने लिख दिया कि वन डिजिट्स का जब क्यूब निकालेंगे, वन डिजिट्स ऑफ द क्यूब 41 इज 1, मतलब 41 का यदि क्यूब निकालेंगे तो वन डिजिट पे 1 मिलेगा, ये सीधा सा इसका मतलब है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ई नंबर का 229, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, मैं प्रॉपर्टीज के साथ में बताया हूं अलग अलग नंबर्स के लिए, वही स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, जैसे कि ये 1, 4, 5, 6 आर 9 के लिए स्टेटमेंट काम करेगा, तो ये ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे। जैसे 229 है तो इसकी वन डिजिट 1 है, तो स्टेटमेंट ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे देयरफोर वंस डिजिट ऑफ क्यूब 229 इज 9। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब से मतलब ये है कि हम दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और उसमें जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उनका तीन तीन का ग्रुप बनना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, 8000 है यहाँ पर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 की टेबल से करेंगे तो आएगा 4000, फिर से जाएगा तो आएगा 2000, और फिर इसके बाद 1000,
फिर इधर है 500, अब इससे करेंगे तो आएगा 250, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 125। अब ना तो ये 3 से जाएगा ना 4 से, 125, तो हम 5 से करेंगे तो आएगा 25, 5 और फिर 1। तो तीन तीन के जब ग्रुप बनाएंगे तो ये 3 का एक बनेगा, एक 3 का ही बनेगा और ये 5 का बनेगा, मतलब हमें तीन तीन के ग्रुप्स बन रहे हैं। तो देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 8000 आर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो यहां पर इधर इस 2 का भी 3 का ग्रुप बन रहा है, इस 2 का भी और इधर 5 का। तो लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3 का मतलब है इन ट्रिपलेट। देयरफोर 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को इसी टाइप से हल करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे इनके ग्रुप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं तीन तीन के। यदि बनेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होगा, यदि तीन तीन के ग्रुप नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा।